ये बहस हो रही है नून लीग और पीटीआई की, तो सबसे मैं पूछ रही हूँ कौन किस साइड पे है। मम्मू तुसी दसो जरा किधर हो। वही जेड़ा भी प्राइम मिनिस्टर है वो तो इधर जहाज चलेगा, वो तो साथ दे रहा है अल्लाह का बंदा, अच्छा यानी नून लीग या किसे पीटीआई पार्टी जो को साथ ही देना चाहिए किसे किसे साइड पे नहीं हो ना, तुसी, क्या अल्लाह के बंदे न्यूट्रल हो तुसी। बिल्कुल न्यूट्रल है सही सर। है, असि तो भाई नून लीग देन लो रही है सीधी साफ गल है, ओपन अच्छा आवाज है सर, सही है। क्योंकि शेर ले शेर शाह शेर ठीक हो गया। ते वाले ए जी सब तो बड़े सपोर्टर ने नून लीग दे, तानू थोड़ा बहुत बिगेस्ट फैन, बिगेस्ट फैन। ते तुसी अपना बयान रिकॉर्ड बयान करवाओ। कराओ जी। हाँ देखो जी जी बयान रिकॉर्ड कराने की जरूरत है नहीं, अगर मेरा बयान रिकॉर्ड करना है भावें पूरी दुनिया से भेज दो, मेरा तल्लुक दोनों पार्टी ना लगे, दोनों पार्टी का मुराद कि मैं एक लाहौर की जानी पछानी शख्सियत हाँ, मुजम्मल खान मेरा नाँ है, तो यार सारी गड़ी खराब करते, मुजम्मल खान मेरा नाँ लाहौर से मैं रहना, मेरा दोनों पार्टियां तल्लक वास्ता है, मेरा यराने ने, लेकिन कहना मकसद है मेरा किसी नाल कोई वैर नहीं, किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, मैं एक अल्लाह नूं हाजिर नाजर जान के एक गल करांगा, सिर्फ और सिर्फ ईमान कुरान नूं हाजिर नाजर जान के। इमरान खान साहब एक दलेर ते नडर लीडर है जरूर, कोई शक नहीं, एक अच्छे प्लेयर है, एक अच्छे खिलाड़ी ने, उन्हें पाकिस्तान वर्ल्ड कप दिता, उन्हें दिता जिस तरह भी दिता एक नाम है, लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है, ये गेम है जिन्हें आन के इंसान आपसे कुरान भी होएगा ना वो भी गंदा हो जाएगा। इमरान खान साहब सियासत करने नहीं आई, इमरान खान ग्रेट लीडर है, ग्रेट बंदा है, लेकिन उन्हें जो आसे पासे मच्छ मगरमच्छ पाले सन, शेर शीत अगे मरासी, शेर शीत पिंडी का मरासी झुंडो झुंडो मरासन का बच्चा शेर शीत शामू कुरैशी, जरा सारी जिंदगी जिन्हों कुत्ती मणकी कह जिन्हों कोई गल ही नहीं आती, सिर्फ तो सिर्फ सीट चाहिए, भावें पीपल पार्टी होवे, भावें नून लीग होवे, भावें तरीके इंसाफ होवे, तो भावें जमात सलामी होवे, तो भावें जे यू आई होनू कोई सिर्फ कोई गर्द नहीं, उन्होंने सिर्फ सीट चाहिए, जाके उत्थे ट्वीत वंड ट्वीत ही मेरी पीर की कर जिते जिते तेन मुलदान कर तू शाह काम कर। इमरान खान गंदियां कराने यही लोग ही ने, मैं सिर्फ यही तबसरा कराँगा। बाकी रही नून लीग की गल, मियाँ साहब ने पाकिस्तान वास्ते भावें लोग कहते हैं चोर ने चोर ने चोर ने, अल्लाह बेहतर जानता कौन चोर है कौन साध है कौन शरीफ है कौन बदमाश है, लेकिन मियाँ साहब के काम अगर गिनाने शुरू करिए ना, या उन्होंने काम जो पाकिस्तान ने कितने कढ़ दिए ना, तो पाकिस्तान सिर्फ खंडर की बजाय कुछ नहीं रह जाता, उस बंदे ने मुल्क की खातर जो भी है मोटरवे बनाए रिंग रोड बनाए स्कूल बनाए यूनिवर्सिटियां बनाई लोड शेडिंग खत्म की दहशतगर्दी खत्म की 2017-18 जो कढ़िया गया पुत्र तो तनखा लैन के चक्कर ना लैन के चक्कर से उदों तक साडा मुल्क बड़ा सही चल रहा 104 का डालर से चीनी 60 रुपये किलो से पेट्रोल 60 रुपये लीटर से सोना 52,000 तोला से कि आटा चीनी हर चीज़ सस्ती सी बिल बिजली सस्ती सन मतलब कि लोड शेडिंग भी खत्म हो रही थी बेरा जिस तरह भी सी ना कुछ निज़ाम सही चल रहा है मैशर सही चल रही थी लेकिन अल्लाह बेहतर जानता साढ़े मुल्क कि नज़र लगी की होया की नहीं अल्लाह बेहतर जानता इंसान किसी भी कुछ नहीं कर सकता नौली की कमोद डालती गई 2-3-4 साल के 2018 तो लगे 2022 तक ऐसा कहड़ा वाकया पेश हो गया कि मुल्क का पहिया ही जाम हो गया ना कोई पुल बनया ना कोई रोड बनया ना किसी किस्म की कोई गल बनी वो ना कोई महंगाई घट हुई हर चीज़ में अग लग गई डर कितने का कितने चला गया खान साहब को सियासत करनी नहीं आई लेकिन हूँ जो इमरान खान साहब जेलों बाहर आएंगे 2-4 साल या जो भी आन मेरा ख्याल च एक कहने लोया अग ज बन के देखे कुंदर बनता है हूँ इमरान खान एक बेहतरीन लीडर बन के बाहर आएगा और अपनी गलतियां मनेगा कि जिम्मे गलतियां कीतियां बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है लेकिन मियाँ साहब के काम अगर गिराने शुरू करिए ना तो मेरा ख्याल रात पै रात उन्हें मुल्क वास्ते किया है मोटरवे रिंग रोड ओरेंज ट्रेन ओरेंज बसा सड़क लाइट सड़क पुल अंडरपास बाईपास मैं कहना पिंड पिंड हर जगह सड़क बनाती पुल बनाते की दसीए यूनिवर्सिटियां बनाई हॉस्टल बनाए दवाइया मुफ्त की बाकी अल्लाह तला अल्लाह उन्हें गल की जान लगियाँ कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ अल्लाह पे छोड़ता हूँ। इमरान खान साहब ने कोई गल की पकड़ लो चोर हैं नहीं छोड़ूंगा जुल्म डालूंगा टीवी उतार दो एसी बंद कर दो इनको मैं घिसटूंगा जजा के नाल फौज नाल देखो फौज फिर 9 मई का वाक्य अल्लाह अल्लाह माफी भावें इमरान खान ने नहीं किया या नहीं कराया अल्लाह बेहतर जानता मैं पहले कहना मैंने कोई पता नहीं गैर इलम रब नूं है या जिन्होंने किया उन्होंने पता है
लेकिन बंदे सारे तरीके साहब के सन साढ़े महलदार ने मार दिता था जाशवी राशद और साढ़े महल के दोस्त मेरे महलदार लाके समनाबाद चो फड़े गए उन्होंने कहा अभी गए सो फिर उ तरीके साहब के सन तो फिर साड़ी तनसीबात फौजी तनसीबात साढ़े शहीदों की फिर जना हाउस लाहौर की नहीं किया तबाह कर दिता हमला करता यह सीधी सीधी गद्दारी है दुश्मनी है इनू अच्छी गल नहीं गई इमरान खान ने नहीं कराया या कराया फिर बंद लेकिन इमरान खान की जबान जीना या उनके जो लफाज है ना उनके अगे आए हैं अल्लाह इनू कहें मकाफा दे अमल मैनू तुहानू सब नू अल्लाह अपने जबान च रखे तो साढ़े मुल्क पाकिस्तान की खैर करे मुल्क ही है तो असी गए हैं अगर मुल्क नहीं तो असी नहीं असी दुनिया के किसी कोने चल जाइए ना अगर पाकिस्तानी कहलाना है ना तो फिर पाकिस्तान की सलामती लिए सू दुआ करनी चाहिए है तो दुआला के दुआ करनी चाहिए जाला पाक साडे मुल्क ते नेक हाकम नेक सदर नेक प्राइम मिनिस्टर आए तो साडे मुल्क खुशहाली तो गरीबों की यानी कि जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरे गरीब तो कि बेचारे बेबस हो गए ना खत्म हो गई कहानी कितों बेचारे की करन बाकी किसी ने कोई दिलचस्प नहीं है तो मैं जोड़ के माफ़ी मंगना मेरे किसी ने कोई वैर नहीं मैं अल्लाह नू हाजर नाजर जान के इत्थे भी कहंगा अगले जान भी कहंगा दुनिया किसी दस भी जगांगा जो क्या मैं अल्लाह नू हाजर अपने ईमान नाल ते अपने दिमाग नू हाजर नाजर करके सच के और जो हकीकत तो मैं दस ही नहीं ओके जी खुदा अल्लाह हाफिज इसको कहते हैं बयान तुम लोग मामू तुसी कुछ कहना अच्छा जी ये पीटीआई और नून लीग की जो बहस थी वो क्लियर कर दी है इमरान खान अगर किसी चीज लाल चुनी ना तो जमायमा खान ना छड़दा पहली गल इमरान खान मैं जाती तौर पर जानना जाती तौर पर मैं लोरिया हूँ इमरान खान मेरी जिंदगी नंगी मैं सन पार्ट की पदायश लौट दी जिंदगी नंगी मेरा हर पार्टियां तलक रहा एम एस एफ पी एस एफ तरीके हिसाब न मैं जाती तौर पर इमरान खान जानना असं जब एम ए कॉलेज पढ़ते स असं इमरान खान का मैच वेखने अपनी क्लासा मिस कर देने सर इमरान खान मैच है यह इमरान खान जो सड़क लगा दौड़ लगा जिन्होंने लड़कियां कॉलेज दियाँ किसन कॉलेज दियाँ पूरे लाहौर कॉलेज दियाँ तो जिड़े जिड़े कॉलेज की लड़कियां उन्हें चलक देखने लिए अल्लाह तला ने इन्होंने हुसन दिता है कोई शक नहीं ग्रेट आदमी से लेकिन सियासत जान के तारू कादर का डील हो गया तो इमरान खान बेचारा एक प्रिंस है जो भी बाकी अल्लाह तला हर किसी अपने अपनी इज्जत दवे हर किसी इंसान इमरान खान अच्छा आदमी लेकिन बेचारे सियासत जान के बेचारे ने अपने आप में बहुत दूर रह गया और बेचारे को सियासत नहीं हुई हाँ अगर उन्होंने एक अपना मिल जाती टीम वर्क अच्छा मिल जाता ना इन्हों छा नवाज शरीफ सुभाष शरीफ जो कितना अदालत जान दी अदालत जान कर ना कर लेकिन यह अपने काम तीर रखता ना सीधा तो इमरान खान मेरे ख्याल है कि 10 साल तक कोई नहीं सही ला सकता जितना को पावरफुल और जितना को मजबूत बंदा निडर आदमी है निडर है कोई शक नहीं दलेर है और उनकी कतार माफ़ी भी नहीं की लेकिन की कला बेहतर जानता है की बनया की नहीं बनया किस तरह उनकी अकल से पड़दा पै गया की होया बाकी निजामे कुदरत है उन्हें लोगों जेलों पाया लोगों की मैं तो नहीं कह दुनिया दे दी टीवी तो वे असं कहना कि बिचुने लेकिन जो कुछ किया अल्लाह तला ने इन्नी जल्दी मकाफा के अमल इन्नी जल्दी मैं अपनी 62 ईयर लाइफ के पहली दफा वेखिया एक बंद ने बंद जिथे उन्होंने सटिया जिथे उनकी धीन रखा जिथे उन्हें हुई जातियां अज उ अल्लाह तला ने उस जगह उस जेल उस वार्ड उस बैरक इमरान खान अपनी जिंदगी गुजार रहा है अल्लाह तला यह वक्त किसी ना दिखावे वैरी दुश्मन भी ना दिखावे अल्लाह तला सब अपने जमान च रखे सब की खैर करे चले जी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तुसी बोलो ना तुसी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो पाजी एनम लाइक शेयर की लाइक भी करो शेयर भी करो ते सब्सक्राइब भी करो सारे हक च सारे दुआ सारे हक च दुआ करो चले जी ओके जी अल्लाह हाफिज़।